दोस्तों हमारे इस अमेजिंग कोर्स के एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जहां आज एक हम नए कंसेप्ट सीखने वाले हैं। दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो कोर्स है ये रेगुलर बेसिस पे देखा जाना चाहिए, तब भी आपको याद होंगी चीजें। जब ये डायरेक्ट आपके माइंड पे स्ट्राइक करेंगी ये सारी चीजें, तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगी सारी चीजें। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों ये जो लेसन मैं बना रहे हो, ये कोर्स देख रहे हो, इनको रेगुलर बेसिस पे देखें। और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे अनअकैडमी पर देखें तो फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं ना। यहाँ पर हम लोग इसको कवर अप कर चुके हैं, यहाँ तक एन पी स्क्वायर तक देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन बताया, एन पी स्क्वायर टू एन आई स्क्वायर होता है। तो अब एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो मास एक्शन लॉ का यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर माइनॉरिटी, मतलब एन टाइप है तो मतलब माइनॉरिटी कैरियर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एन टाइप में माइनॉरिटी क्या हो गया, होल्स हो गया। तो जो होल्स होंगे, सॉरी, तो होल्स होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे ये टाइप है, पी तो होल्स के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, ये यहाँ पे टाइप है। तो पी सफिक्स एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर ओवर एन। तो दोस्तों हमें पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो जो एक्चुअली क्या होता है, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो कुछ तो उसमें जो डोपेंट्स की वजह से होंगे, एनडी की वजह से होंगे, जो मतलब ज़्यादा होंगे, और थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से होंगे, थर्मली जनरेटेड होंगे, तो कुछ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से टूट के कंडक्शन बैंड में पहुंच गए होंगे। लेकिन उनका अमाउंट ना बहुत कम होगा। मान लो अगर हज़ार हज़ार लाख वो हैं एनडी वाले हैं, तो उनके सामने 10-20 वो होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन लगभग एनडी के बराबर होती है। तो पी एन यानी होल्स की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर ओवर एन एन इज इक्वल टू एनडी। तो यहाँ पर ये जो हो जाती है इसकी, ये जो है इसका जो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एन में होल्स निकाल देगा एन आई स्क्वायर ओवर एन डी। तो पी ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, गेट हो, ई एस हो, या कोई पी एस यू, ये क्वेश्चंस आते हैं, यूजुअली आते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो ये होगा मुझे पी टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, यहाँ पे मेरे होल्स होंगे। तो होल्स कैसे निकालूंगा मैं, एन आई स्क्वायर ओवर पी, मतलब क्योंकि होल्स मेजोरिटी हैं, तो सॉरी पी टाइप के अंदर एन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी कैरियर, तो एन आई स्क्वायर ओवर पी। तो यहाँ से मैं माइनॉरिटी कैरियर निकाल लूँगा इसके पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो मास एक्शन लॉ था उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, बहुत ही काम की चीज़ है। दूसरी चीज़, जो आपके जो होते हैं, जो डोपेंट्स होते हैं, यानी एन टाइप में जो है एन डी होता है और पी टाइप में एन ए यानी एक्सेप्टर कंसनट्रेशन होती है, वो उसके बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एन डी के बराबर होंगे, नंबर ऑफ होल्स होंगे वो एन ए के बराबर होंगे। चलिए अब इंट्रेंसिक सेमी कंसनट्रेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का, वो क्या होता है, एन 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 जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कंसनट्रेशन होती है वो क्या होती है, एन आई स्क्वायर। तो एन आई स्क्वायर क्या होता है, एन आई स्क्वायर होता है एन इंटू पी। अब एन और पी जो है, अगर मैं जो है एन की वैल्यू निकालता हूँ, अभी मैं आपको दिखा के आता हूँ एन निकाला कैसे जाता है थोड़े टाइम में, जब मैं इसको कुछ लेक्चर्स बाद में यहाँ पे एन की कंसनट्रेशन निकालना सिखा रहा हूँ आपको आगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों सीधा याद रखो, एन आई स्क्वायर ए नॉट टी क्यूब ई रेस टू पावर माइनस ई जी ओवर के टी। तो दोस्तों ये जो है इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको अगर मैं अंडर रूट ले लूँगा, दैट इज़ एन आई अंडर रूट ए नॉट टी थ्री बाई टू ई रेस टू पावर माइनस ई जी ओवर टू के टी। तो इस इक्वेशंस का भी डायरेक्ट यूज़ किया जाता है। ये कॉन्स्टेंट है दोस्तों, मेटेरियल कॉन्स्टेंट है, ये गिवन होते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर होता है, तो ई एस में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, या कोई पी एस यूज है उनमें कैसे पूछा जाता हो कि एन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, डायरेक्ट स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टू थ्री बाई टू स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखना अगर एन आई स्क्वायर पूछा है या एन आई पूछा है, तो एन आई है टी बाई टी की रेस टू पावर थ्री बाई टू है ना। तो ये जो है एन आई जो होता है ये इसके होता है ई के साथ जो प्रोपोर्शनलिटी होती है टेम्परेचर के साथ, दैट इज थ्री बाई टू के साथ होती है। तो दोस्तों ये इसका इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स के कंडक्शन वो होता है कंसंट्रेशन, तो इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन इस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो एक होता है कंडक्टिविटी, तो ये फॉर्मूला भी बहुत याद रखना। तो कंडक्टिविटी क्या होता है कि इज इक्वल टू एन, एन क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स, क्यू इज द चार्ज एंड न्यू। कुछ लोग क्यू को ना ई से डिनोट कर सकते हैं, कुछ लोग ई लिखते हैं, तो आपकी मर्जी है, ई यूज़ करो क्यू यूज़ करो। तो कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई आपके चार्ज की बेसिक यूनिट क्या है इंटू मोबिलिटीज़ की क्या है। तो कंडक्टिविटी का ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये भी आपके ऑन टिप्स होना चाहिए। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, सब ऑन टिप्स ही होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं है टिप्स पे ना हो आपके। जो मेटल्स होते हैं वो पीटीसी ऑफ आर होते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मैंने बताया था जैसे जैसे आप
टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर थर्मल एनर्जी से जो उसके एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जब वो वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, तो वो जो आपके वो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जा रहे होंगे उनको निकलने में दिक्कत होगी, तो यो इस वजह से उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो मेटल्स का जो है टेम्परेचर मतलब PTC होता है, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है रेजिस्टेंस का। तो दूसरों एक चीज़ तुमने नोटिस की होगी, सर्दियों में लाइट आपकी मतलब वोल्टेज थोड़े ठीक ठाक आते हैं और गर्मियों में कम आते हैं, तो उसका रीज़न एक तो लोड भी बढ़ जाता है, लोड नो डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा रीज़न एक ये भी रहता है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ना कर्नल्स बढ़ जाते हैं उसके अंदर, तो मोबिलिटी थोड़ी सी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरा है सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर्स जो होते हैं उनके ये होते हैं NCTI ऑफ R होते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होता है आपका जो है रेजिस्टेंस कम होता चला जाता है। जब भी हम देखेंगे पूरा टेम्प हमें सेमी कंडक्टर ही पढ़ना है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो कम हो जाएगा, तो ये है। उसके बाद जो मेटल्स के केस में मैंने आपको बता दिया टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्यों होगी आपकी, क्योंकि आपका जो है पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स की वजह से फोनॉन्स होने की वजह से एटम्स वाइब्रेशन होने की वजह से कंडक्टिविटी लो हो जाएगी, तो क्योंकि मोबिलिटी डिक्रीज होगी यहाँ पर, है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे मोबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली कंडक्टिविटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाए शुरू हो जाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टूटने शुरू हो जाते हैं, बॉन्डिंग टूटती है ना सेमीकंडक्टर के अंदर, जब बॉन्ड टूटेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बनता है एक होल बनता है, तो यहाँ पे क्या है चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, नो डाउट मोबिलिटी डिक्रीज होगी है ना, तो लेकिन उस वो जो उससे ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसको भी हम अभी देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि आप क्या जो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स जब टेम्परेचर बढ़ाते हो वो ज़्यादा टूटते हैं इन कंपैरिजन टू जो रिड्यूस होता है उसके अंदर मोबिलिटी में। यहाँ पर क्या होता है मेटल्स के केस में एन तो आपका कॉन्स्टेंट रहता है वही सेम रहता है तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, बस इतना याद रखना, मेटल्स के केस में घटती है। और ये वाला जो पॉइंट है ये याद रखना, कितनी ही बार मैंने बेल का एग्जाम हुआ या और भी एग्जाम्स में कितनी बार मैंने सीधा पूछा गया है, एक दोस्तों ये फॉर्मूला है सीधा डिफ्यूजन लेंथ का, डिफ्यूजन लेंथ इज इक्वल टू होती है अंडर रूट डी डॉट टाउ, तो डिफ्यूजन लेंथ को मतलब कितना मतलब जनरली कॉम्बिनेशन होने से पहले कितनी दूर तक चला जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन लेंथ। अभी मैं इसको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आगे, बस इतना याद रखो एल इजकल टू अंडर रूट डी टाउ होता है, और डी डिफ्यूजन का मैंने अभी आइंस्टीन रिलेशनशिप आपको समझाई थी है ना, तो यहाँ से भी वो कभी आपको डायरेक्ट डी नहीं देगा है ना, अगर लकी है डी मिल जाए आपको वो क्या दे देगा आपको वो दे देगा न्यू दे देगा और आपसे बोल देगा कि टाउ की वैल्यू दे देगा और डिफ्यूजन लेंथ पूछ लेगा, तो बस कुछ नहीं है डी की जगह आप जो है आपको वो दिया हुआ है न्यू दे दिया उसने तो न्यू इंटू VT, तो आपको 26 mV याद रखना ही है, तो इसको मल्टीप्लाई करके डी की वैल्यू निकाल दो, टाउ की वैल्यू अंडर रूट कर लेना, सीधा आंसर इसका आ जाएगा, तो ये भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो उसके बाद डिफ्यूजन डिफ्यूजन ने जो है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है डेरिवेशन नहीं कराया मैंने कुछ भी, होता है Q dN dN/dx, मतलब क्यों जो चार्ज होता है मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसका, यहाँ पे एन टाइप की देख रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का है, तो दोस्तों ये जो होता है याद रखना हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है वो माइनस में आता है, मतलब टाइम के जब डिफ्यूजन क्या होता है डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना, तो मान लो ये आपका एक बार था आपने यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स आपने वो छोड़े तो वो क्या है कंसंट्रेशन डिग्रेड होती हुई चली जाएगी थोड़े टाइम के बाद, तो इस तरह ये जो है कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस होती है जब डिस्टेंस के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ, कम होती हुई चली जाती है डिफ्यूजन में है ना। तो अब क्या होता है देखो एन टाइप है तो चार्ज की वैल्यू कितनी थी माइनस क्यू, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी माइनस में आ जाता है माइनस माइनस प्लस आ जाता है, तो रिमेंबर दैट हमसे जो ज़्यादातर लोगों से गलती होती है वो क्या होती है सिंबल्स में गलती होती है, एन टाइप के अंदर क्यों है प्लस साइन रहता है इसके साथ Q dN/dN/dx है ना, तो ये डिफ्यूजन कोफिशियंट ऑफ वो है इलेक्ट्रॉन्स का। और अगर मैं होल्स की बात करता हूँ दोस्तों यहाँ होल्स की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, तो होल्स में क्या होता है JP इक्वल टू डिफ्यूजन दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू, होल्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या होता है चार्ज के तो क्यू होता है ना पॉजिटिव रहता है होल्स का, तो जो है अपोजिट कंसिडर किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स के, और कंसंट्रेशन ग्रेडिएट क्या है माइनस में होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये होल्स की जो करंट डेंसिटी निकालते हो
डिफ्यूजन करंट डेंसिटी निकालते हो, दैट इन माइनस। तो लोगों से गलती क्या होती है जनरली, वो कहाँ वो करते हैं, उन्हें पता है कि बच्चों को फॉर्मूला तो याद ही होगा दोनों का सेम सा है, वो माइनस प्लस में गलती कर जाएगा, तो वो बस ऑप्शंस ऐसे बनाते हैं वो सेम सेम लगे, तो चाहे गेट हो चाहे ESU, वो इस तरह के ऑप्शन डिजाइन करते हैं। तो J डिफ्यूजन इज इक्वल टू माइनस क्यू डी पी ओवर डी पी इज इक्वल टू डी पी ओवर डी एक्स। तो ये डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है होल्स की, और ये है उसकी दूसरा ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो होती है दोस्तों, वो होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, मतलब एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है दूसरी तरफ कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ भागने शुरू, एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है तो ज़्यादा से कम की तरफ भागने शुरू हो जाएंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो होती है इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे से डालते हैं वो भागाता है चलो भागो ऐसे करके चार्ज कैरियर्स को। तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी दैट विल इज इक्वल टू क्या, एक यार एक एक्सप्रेशन याद कर लो, मैंने 10th 12th में याद किया था, आई इजकल टू ए एन ई वी डी। तो यहाँ पे जो होता है ए एन ई वी डी, तो ए मतलब एरिया, एन फॉर कंसंट्रेशन, ई फॉर क्यू चार्ज है, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब बस उसको रख लो, आई इजकल टू आई ओवर ए तो ड्रिफ्ट हो गया, एन क्यू न्यू एन ई, तो ये जो हो जाएगा आपका करंट डेंसिटी हो जाएगी। तो मतलब आपको माइनर माइनर फॉर्म याद है ना उसकी ओम्स लॉ की, वो क्या होती है जी इजकल टू सिग्मा ई, तो सिग्मा हो गया जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये सिग्मा बस सिंपली सिग्मा की वैल्यू रख दी तो ये ड्रिफ्ट बन गया। तो इसे किस तरह से भी कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं किसी सेमीकंडक्टर के अंदर पूरी बात कर रहा हूँ पूरी करंट डेंसिटी की, तो वो दो कंपोनेंट से बनी है, करंट डेंसिटी से बनी है, दूसरा मेरा होल मतलब इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी से बनी है, दूसरा होल करंट डेंसिटी से बनी हुई है। तो ये जो दोस्तों करंट डेंसिटी जो होती है हम लोगों की है ना, तो ये जो है करंट इलेक्ट्रॉन की जो है वो होती है, उसमें ड्रिफ्ट करंट भी होता है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, और ये यहाँ पे मेरा ड्रिफ्ट डिफ्यूजन करंट डेंसिटी भी होती है, मतलब दोनों की होती है। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना ये न्यू एन की है, ऐसे ही ये न्यू पी की होगी। तो जो आपका ड्रिफ्ट ये करंट डेंसिटी कंपोनेंट है वो दोनों से मिलके बना है, डिफ्यूजन भी रखता है और ड्रिफ्ट भी रखता है सेमीकंडक्टर के अंदर, ऐसे ही होल्स के एरिया, ये डिफ्यूजन भी रखेगा ड्रिफ्ट भी रखेगा। तो दोस्तों इस तरह ये लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है, यहाँ पे मैंने बस आप लोगों को इतना ही बताया था, डेंसिटी जो है टोटल डेंसिटी सेमीकंडक्टर की रहेगी तो वो दोनों को कंपोनेंट को आएगा, डिफ्यूजन प्लस ड्रिफ्ट, और इसके साइंस का जरूर ध्यान रखिएगा, और ये फॉर्मूलेज आपके इन टिप्स होने चाहिए। अगर अभी तक नोटबुक नहीं बनाई तो यार नोटबुक में सारे क्वेश्चन लिखते जाओ सीधे, इन्हें 2 बार 3 बार दिन में 4 बार रिवाइज करो, 1 वीक के अंदर पूरी डीसीपी कमांड हो जाएगी आपकी अच्छे से। चलो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।